फूलल सतोप राजधानी के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क के पास मंगलवार देर शाम फिल्म मुल्क की शूटिंग हुई। एक सीन के दौरान अचानक पुलिस आती है और एक ट्रेस तापसी पन्नू को गाड़ी में बैठा ले जाती है। जब फैंस की नज़र उन पर पड़ती है तो वो पुलिस की गाड़ी के पीछे बाइक लगा देते हैं लग जाते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता कि उनको किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है। बता दें, फिल्म में तापसी एक वकील के रूप में है। इसका डायरेक्शन अनुभव सिन्हा कर रहे हैं। फिलहाल तापसी फिल्म शूट के लिए लखनऊ में है। ऋषि कपूर की बहू का किरदार निभाएंगी तापसी। तापसी इस फिल्म में एक्टर ऋषि कपूर की बहू का किरदार निभा रही है और एक वकील के रूप में भी देखेंगी। इसमें प्रतीक बब्बर, रजत कपूर, आशुतोष राणा और नीना गुप्ता जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। दैश शूटिंग से पहले तापसी ने एक बयान में कहा था, मनोरंजक फिल्म करके एक ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से एक ऐसी फिल्म कर रही हूं, जिससे बहस शुरू होगी और फिल्म लोगों के दिलों को भी छुएगी। दैश उन्होंने आगे कहा था, यह एक सोशल थ्रिलर है और मैं इस फिल्म में विभिन्न कलाकारों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। इस फिल्म में बेहतरीन कलाकार काम कर रहे हैं और ऐसी फिल्में मुझे एक कलाकार के रूप में निखरने का मौका देती हैं। दैश तापसी ने फिल्म के सेट पर से 15 अक्टूबर को ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। फोटो में तापसी को अपने किरदार की लाइनों को पढ़ते हुए देखा जा सकता है। फोटो पर कैप्शन दिया, इनका नाम आरती है, पूरा नाम जल्द ही पता चलेगा। अगली फिल्म मुल्क ऐसा है तापसी का करियर डैश मॉडल और एक्ट्रेस तापसी पन्नू का जन्म 1 अगस्त 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। तापसी ने साउथ के साथ ही बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। स्कूल की पढ़ाई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया। डैश कई एड फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मों में आने की सोची। तापसी ने 2010 में राघवेंद्र राव द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म जुमांडी नादम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में काम करने के साथ उन्हें अन्य फिल्मों के ऑफर भी मिले। डैश साउथ की फिल्मों में बेहतर अभिनय के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले। उन्होंने 2013 में चश्मे बदूर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वे अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेबी में भी नजर आईं।